it for you. He asks. Ask. Next page. लड़की क्या बोली? I will man give you my नहीं यहाँ से पढ़ो the little man the down straw into gold thread next then हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज सुबह से मेरा एज सच कोई व्लॉगिंग करना नहीं हुआ। सुबह से मैं काफ़ी बिजी थी, खाना पीना बनाने में तो रोज ही बिजी रहती हूँ, पर फिर मुझे लगा कि ठीक है आज सुबह से खाना पीना, घर का काम, नॉर्मली पेरेंटिंग, ये सब लेके तो मैं रेगुलर व्लॉग्स करती ही हूँ, पर फिर मुझे लगा कि नहीं आज कुछ डिफरेंट करते हैं। तो सुबह मैं परफ को एक स्टोरी बुक पढ़ा रही थी एंड शाम को उसका पढ़ाई वगैरह भी है, तो मैं बिजी ही रहूंगी। तो आप लोग को बोर करना मेरा मोटिव नहीं है, मेरा चैनल का मोटिव नहीं है। तो मैं कभी कभार कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करने की। वैसे तो लाइफ मेरा पूरा एक्सपेरिमेंटल लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स है, पूरा एकदम वेव्स है, ऐसे स्मूथ लाइफ नहीं है मेरा लाइफ, मुझे भी पता है अच्छे से। पर फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक है, मैं कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रही हूँ एंड करती हूँ। एंड अपन को मैंने सुला दिया क्योंकि ऐसे भी शाम को इसको पढ़ाई कराना है, कल मंडे है, कल से फिर एक लॉन्ग वीक की शुरुआत हो जाएगी। तो वो सो गया तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं मुझे शॉर्ट वीडियोज़ तो बनाना ही है। मैं एवरीडे शाम को 4 से 5 के बीच अपना शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करती हूँ एंड कोशिश करती हूँ कि रात को भी एक और न्यू शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ 9 to 10 के बीच। तो बस फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं आज थोड़ा सा अच्छे से अपना मतलब सज धज के फिर शॉर्ट वीडियो करती हूँ। तो मैंने ये वाला ड्रेस पहन लिया, ये वाला जो ड्रेस है, ये वाला जो आउटफिट है, रादर नॉट ड्रेस, आउटफिट है, इसमें मैं पहले भी बहुत मेरा रील्स व्लॉग्स में बना चुकी हूँ, बट आई थिंक ये मैंने 2-3 साल बाद फिर निकाला ये वाला आउटफिट। मैंने सोचा ठीक है, इसमें एक शॉर्ट वीडियो मैं अपना शूट कर लेती हूँ। एंड मैं अभी मैं ना बहुत सिंपल मेकअप करती हूँ, कुछ मेकअप एज सच में करती ही नहीं हूँ, बस लिपस्टिक लगाती हूँ, आईलाइनर लगाती हूँ, लिप बाम लगाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना वही वाला वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। एंड स्किन तो मेरा काफ़ी गंदा हो गया बिकॉज बहुत दिनों से मैंने अपना स्किन केयर नहीं किया। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं एक अच्छा क्लिंजर से, ऐसे तो मैंने फेस वॉश कर ही लिया है, मैंने एक अच्छा क्लिंजर से अपना स्किन क्लीन करूंगी एंड फिर थोड़ा सा बेस करके मेकअप का मैं अपना मेकअप वीडियो आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगेगा देखने में। तो बस दो काम हो जाएगा, शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी एंड उसके पहले जिस तरह से मैं रेडी होऊंगी उसका वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ एंड फटाफट आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ, उसके बाद मेरी मेड आ जाएगी। तो जब मेड नेचुरली जब आती है ना, मैं बाहर ही बैठती हूँ क्योंकि ऐसे भी वो नहीं है। तो ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। एंड ये वाला जो आउटफिट के बारे में मैं बता रही थी, मेरा पहले एक ज़माने में बहुत फेवरेट आउटफिट हुआ करता था एंड जंप सूट्स आई यूज टू लव, पर मेरे ज़्यादा कुछ जंप सूट्स नहीं थे एंड आई डोंट नो वेदर ये वाला जंप सूट्स अभी फैशन में है या नहीं, बट कॉर्सेट्स अभी बहुत फैशन में है, तो मेरा बहुत मन है अपने लिए लेने का। फाइनेंसिस का प्रॉब्लम है, घर चलाना पड़ रहा है, तो सोच समझ के खरीदारी करना पड़ता है। देखूंगी, आज तो मैं इसमें शूट कर लूंगी अपना शॉर्ट वीडियो, आप लोग भी प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा एंड चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ज्यादा कुछ मेकअप का सामान अभी मेरा नहीं है, जो भी कुछ बचा कचा है वही मैं यूज करती हूँ, पर यस आई नीड टू रिफ्रेश इट, मुझे अपना मेकअप का जो एसेंशियल्स है वो रिफ्रेश करना पड़ेगा, यू कैन से रिफिल करना पड़ेगा
वापस सब चेंज करके नया नया लाना पड़ेगा, बट वही सेम प्रॉब्लम फाइनेंस. बट कोशिश करूंगी थोड़ा सा मेकअप का ये सब चीज अपग्रेड करने की, बिकॉज यू नो रील्स शॉर्ट वीडियोज ये सब अगर बनाऊंगी एंड गंदे तरीके से सच के गंदा फेस लेके बनाऊंगी तो ऑब्वियसली लोग नहीं देखेंगे. आप लोग देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे ना. तो ये सब थोड़ा सा मुझे अपना ये सब चीज रिफ्रेश करना पड़ेगा, बट ठीक है, कोशिश करूंगी. आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो जरूर आई थिंक कभी ना कभी मैं आगे बढ़ूंगी. तो मैं ना अलग से मिरर के सामने नहीं बैठ रही हूँ, मैं अपना ये जो कैमरा का फ्रंट कैमरा है, आई मीन मेरा फोन का जो फ्रंट कैमरा है ना, इसको ही मैं इसमें देख के अपना ये वाला मेकअप जो लाइट बेस मेकअप है वो कर लूंगी. तो सबसे पहले तो मैं ये वाला ये है एक्चुअली मेकअप रिमूवर वाटर है, तो इससे मैं अपना फेस एक बार क्लीन कर लेती हूँ. इससे क्या होता है थोड़ा एक हल्का सा फेस में ग्लो आ जाएगा. तो ये है लिप बाम, ये है हनी लिप बाम, ये मैं अभी यूज कर रही हूँ. इसमें कोई कलर नहीं है बट ये वाला मुझे अभी पसंद है तो ये वाला मैं यूज कर लेती हूँ. अभी एंड दिस इज लिप लाइनर. मुझे बहुत अच्छे अच्छे और भी कलर्स के लिप लाइनर की जरूरत है, अभी तो इसी से काम चला लेती हूँ. ये है लिपस्टिक लैक्मे. लैक्मे का ये कौन सा कलर है, कुशन मैट लिखा हुआ है और यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा हुआ है, कलर नेम नहीं लिखा हुआ है. मैंने चूज करके खरीदा था, आई थिंक एक साल डेढ़ साल हो गया है. पर मेरा आदत है, मैं लिपस्टिक लिप लाइनर लिप बाम सब चीज अपना फ्रिज में रखती हूँ, ज्यादा दिनों तक अच्छा रहता है. तो इसी ये भी मैंने फ्रिज से ही निकाला, ये मैं रेगुलर यूज करती हूँ अभी. पर मैंने गलत कर दिया, मुझे पहले अपना आई मेकअप करना चाहिए था, मैं भूल गई लिपस्टिक लगाने के चक्कर में. ठीक है, अभी ऐसे करके आई मेकअप कर लेती हूँ. काजल मैंने ज्यादा नहीं लगाया, एकदम हल्का ही टिंच दिया, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा. जो कि ज्यादा मैं पसंद करती हूँ वो है आईलाइनर मुझे सही लगता है. काजल निकलता नहीं है, एक बार यूज हो जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा रह ही जाता है उसका इफेक्ट. आईलाइनर आप कॉटन से इजीली निकाल सकते हैं. देखिए फाइनली दोनों आईज में मैंने आईलाइनर लगा लिया है, बस ये थोड़ा सा इसको ड्राई करना पड़ेगा. थोड़ा सा ड्राई नहीं होगा ना तो आंखों में कैसा वेटी वेटी फीलिंग हो रहा है, तो बस ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है. इसके बाद मैं बस अप्लाई करूंगी ये ब्लश ऑन बस यहाँ पर चीक बोन्स में. तो चेहरे में मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया, फाउंडेशन मेकअप कॉम्पैक्ट पाउडर कुछ नहीं यूज किया, मैं बस खाली ये ब्लश ऑन यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं निकलना नहीं है, घर पे ही रहना है, तो ज्यादा मेकअप करके फायदा नहीं है. बस ये ब्लश ऑन थोड़ा सा यूज कर रही हूँ थोड़ा सा ग्लो लाने के लिए, बस इट्स वेरी गुड. तो ये हो गया मेरा लुक कंप्लीट. नॉर्मली बस मैं इतना ही करती हूँ शॉर्ट वीडियो रील्स के लिए, आईलाइनर मैं इतना मोटा भी नहीं लगाती हूँ. आज थोड़ा सा मेरा मोटा लग गया आईलाइनर, मैं इससे भी एकदम फाइन लाइन ड्रॉ करती हूँ. अभी तो वैसे भी थोड़ा सा गीला ही है इसलिए ऐसा लग रहा है. एंड बस थोड़ा सा हेयर को कॉम कर लूंगी. हेयर को ना हमेशा ऐसा सामने की तरफ झुक के फिर कॉम करना चाहिए, तो क्या होता है ना
थोड़ा सा फ्लफी हो जाता है। मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, ये देखिए ये देखिए, माथा को ऐसे नीचे करके उल्टे तरफ से आप लोग ब्रश करेंगे ना, तो ये देखिए हेयर काफी फ्लफी हो गया है। देखिए जितना मुझे पता है उतना ही शेयर कर रही हूँ, बाकी कुछ नहीं पता है। मेरा तो मेकअप किट भी अपग्रेड करना पड़ेगा। बस इतना ही मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। हमेशा अपना प्रॉब्लम्स, अपना घर का लाइफ, अपना कुकिंग दिखाती रहती हूँ, वो सब तो मेन कंटेंट है ही पेरेंटिंग। बट ये हो गई हूँ मैं रेडी। अपना मेरा एक तो फेवरेट गाना है फिल्म कुर्बान मूवी का, कुर्बान, उसमें सैफ अली खान एंड करीना कपूर है, उसमें एक गाना है, नजरों से नजरें मिली तो जन्नत सी महकी फिजाए, वो गाना मेरा बहुत फेवरेट है, वो मूवी भी मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा आज उस मूवी का, उस गाने के ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। तो नजरों से नजरें मिलेंगे अगर, तो आईलाइनर तो थोड़ा सा मोटा लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो आई मेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपके आंखें अगर थोड़े से बड़े बड़े होना तो आई मेकअप करके मजा आ जाता है। बस इतना ही था मेरा एक, मैंने सोचा एक छोटा सा मेकअप वीडियो शेयर कर देती हूँ, बहुत ही बेसिक मेकअप है। तो मैं जा रही हूँ शॉर्ट वीडियोस बनाने में, बनाने के लिए, एंड अपन अब तो सो रहा है, उठा दूंगी एक घंटा बाद, पढ़ाऊंगी इसको मैं। एंड बस आज के लिए इतना ही, मैंने सोचा एक छोटा सा एक मेकअप वीडियो शेयर कर देती हूँ आप लोग के साथ। एंड बस कुछ इमेजेस अभी मैं लूंगी अपना, वो सब भी मैं दे दूंगी अभी इस वीडियो में अटैच कर दूंगी। तो बस मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक नए व्लॉग में, जो कि है कल है मंडे, नॉर्मल बिजी डे। तो बस देखते रहिए मेघनाज व्लॉग्स एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच। जितना भी मिला आई होप आगे भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, प्लीज सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, प्लीज डू कमेंट। बाय बाय।